जनाब सैयद हबीब सरमस्त हाल ही में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बने हैं और चेयरमैन बनने के कुछ ही दिनों में सैयद हबीब सरमस्त वक्फ बोर्ड ऑफिसर, तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स की मौजूदगी में दो बड़े इलीगल कब्जा की गई ज़मीनों को वापस वक्फ बोर्ड के अंडर लेने में कामयाब हुए हैं। अगर हम सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हज़ारों एकड़ वक्फ की ज़मीनें पॉलिटिशियंस और दीगर लोग कब्जा कर हजम कर रहे हैं और न्यू वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन सैयद हबीब सरमस्त चेयरमैन बनने से पहले कई वक्फ ज़मीनों की तहफ़ के लिए लड़ते देखे गए हैं और अब चेयरमैन बनने के बाद कुछ ही दिनों में कानूनी कार्रवाई के साथ दो बड़ी कब्जा की गई ज़मीनों को वापस वक्फ के कब्ज़े में लेने का काम किया है। 19 अगस्त को लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद चेयरमैन हबीब सरमस्त की सदारत में गुलबर्गा वक्फ बोर्ड के ऑफिसर हजरत अली नद्दाफ, पुलिस ऑफिसर, सर्वे ऑफिसर और अफजलपुर तहसीलदार की मौजूदगी में मटोगी विलेज तालुका अफजलपुर सर्वे नंबर 89 में 40 साल से कब्जा की गई 35 एकड़ 28 घंटे वक्फ की ज़मीन को वापस वक्फ बोर्ड के अंडर लिया गया है। और इसके बाद दूसरा बड़ा कारनामा 24 अगस्त को मोगा विलेज कालगी तालुका में चेयरमैन हबीब सरमस्त की सदारत में वक्फ बोर्ड ऑफिसर हजरत अली नद्दाफ, पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, सर्वे ऑफिसर्स की मौजूदगी में सर्वे नंबर 373 वक्फ की ज़मीन पर पिछले 25 साल से कब्जा कर इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए मकानों को डिमोलिश कर वक्फ बोर्ड के अंडर लिया गया है। इस मौके पर सैयद हबीब सरमस्त डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का शुक्रिया अदा कर कहा, कुछ ही दिनों में डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर के साथ मिलकर सिटी में कब्जा की गई तमाम ज़मीनों का सर्वे नंबर और दीगर डिटेल्स आवाम को दी जाएंगी ताकि आवाम ऐसी इलीगल ज़मीन को ख़रीदने से परहेज़ करें।